हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूसी। मेरा नाम है निखिल शर्मा। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक लेके, आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स के बाद केमिकल काइनेटिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स लोगों ने वीडियो देखा है एंड दे हैव अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग। उसमें इतने सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया बच्चों को। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स भी वैसा ही वीडियो बनने वाला है, इससे भी मिनिमम वन क्वेश्चन राइट, और दो से तीन क्वेश्चन कभी कभी नीट में पूछे गए हैं राइट। जेई के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स राइट। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे मैंने कौन से ईयर में पूछा गया था मेडिकल एंट्रेंस में, या कौन से ईयर में इंजीनियरिंग एंट्रेंस में पूछा गया था, वो भी मैं आपको मेंशन करवाऊंगा वहां पे। तो यहाँ पे मैंने चार टॉपिक में डिवाइड किया इस पूरे चैप्टर को। तो पहला मेरा है यहाँ पे रेट, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एंड लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर। इनके ऊपर क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी करेंगे। पहले हर टॉपिक का मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद में ही हम एमसीक्यूज करेंगे। अगर हाँ आपने ये टॉपिक पहले कभी पढ़ा ही नहीं, एकदम कच्चे हो, तो आप मेरा जो रिविजन वीडियो है इस टॉपिक का, तो आप टाइप कर सकते हो केमिकल काइनेटिक्स रिविजन बाई TUC, तो वो एक वीडियो देख लो आप, उसके बाद में ये एमसीक्यूज करना। बट शॉर्ट में जो फॉर्मूलाज का रिविजन है वो सब तो मैं करवा ही दूंगा। सेकेंड इज ऑर्डर मॉलिकुलरिटी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, टी हाफ, अरेनियस इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अप्रॉक्सीमेटली 46 एमसीक्यूज करेंगे एंड हम लोग ये स्क्रीन पे करेंगे, मतलब लैपटॉप पे करेंगे, सो दैट वहां पे आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे एंड जो मैं लिख रहा हूँ खैर वो तो आपको सब दिखाई देगा ही, ऑलराइट। सो आप इसको नोट डाउन करें अपने जेई और नीट के जो भी वन शॉट सीरीज के आपके नोट्स है उसके उसको निकालिए, इसको नोट डाउन करें, फिर हम थियरी एंड देन एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the topic. So here is the heading, chemical kinetics. So, thoda sa agar basics dekhe hai, so let's say students, ek reactant hai A and it is getting converted into B, that is the product. So what is exactly rate? Rate kya hoga ki change in concentration upon time taken to change that concentration. Ya to aisa bol sakte hai, appearance of प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू अपियर, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, या तो फिर टाइम टेकन, सॉरी डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, इजंट इट। सो यहां पे थोड़ा सा और एलैबोरेट करूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू पी लेट्स से। तो रेट को लिखना कैसे है, माइनस डेल्टा, डेल्टा बोले तो चेंज, डेल्टा इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो यहां पे माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना, और यहां पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां पर हमने कौन सा साइन लिखा है, प्लस साइन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे टाइम है, तो कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से अगर मोलैरिटी में है तो टाइम लेट्स से हम लोग टाइम सेकंड्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मैं सेकंड्स में ले लेता हूं, ऑलराइट। अच्छा मोलैरिटी को और आगे कैसे लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर, ओके, और नीचे सेकंड तो एज इट इज है ही है। चलो गुड, नाउ एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स से PCl5 इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू PCl3 एंड Cl2, तो इसमें रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी, या तो फिर विच इज इक्वल टू प्लस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। ये तो सिंपल था, इसमें कोई स्टोशियोमेट्री सब 1111 है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें यहां पे, N2+3H2 गिव्स यू 2NH3, ये हेबर्स प्रोसेस का एग्जांपल है। अभी यहां पे देखो मिस्टेक क्या हो सकती है, पहला वाला तो ठीक है आप लोग लिख लोगे, दूसरे वाले में सिंस यहां पे ऊपर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई मत कर देना, इन सबको इक्वलाइज करने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इज इट। सो 1/3 लिखोगे आप यहां पे, और यहां पे क्या आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट में यहां पे 2 दिया है NH3 में, तो 2 लिखोगे कि 1/2 लिखोगे, 1/2 लिखोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर गलत ना हो जाए, क्लियर। तो ये क्या था, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन।
और कुछ है तो इसमें देख लेते हैं. सो ये बेसिक से अपना, लेट्स से ए मोल्स ऑफ ए गिव्स यू प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी. तो कैसे लिख सकते हैं रेट एक्सप्रेशन को? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट कितना प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, रिएक्टेंट के ऊपर. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ड विथ स्टोइशियोमेट्री अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस्ड विथ स्टोइशियोमेट्री बीटा, और अल्फा बीटा इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ओके, आगे जाके इसको ऑर्डर बोलते हैं, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे. बट याद रखें इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो रेट लिखने का एक ये तरीका है. ओके, एक ये तरीका है और दूसरा पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. रेट लिखने का एक और तरीका डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. सो हियर इज आर फर्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करें, इसको सिंसियरली सॉल्व करो यार. अभी नहीं तो कब करोगे सॉल्व? करिए, वेट ना करिए कि सर तो बता ही देंगे, खुद से करो. चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फिर. क्या बोल रहा है? द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट इज रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए रेस टू एन बी रेस टू एम. बराबर, वेरी गुड. ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं भैया, एंड हाफिंग द रिएक्शन, हाफिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो पूछा है? न्यू रेट टू द अर्लियर रेट. मतलब इन्होंने आर टू अपॉन आर वन पूछा है. गलती ना कर देना कि आर वन अपॉन आर टू ले लो. क्वेश्चन इनकम्प्लीट पढ़ते हैं तो ये गलती होने के बहुत चांसेस है. तो देखो रेट क्या बोला है, रेट इज इक्वल्स टू के ए रेस टू एन बी रेस टू एम, इजंट इट? ये है अपना आर वन. अभी आर टू क्या होगा? आर टू इज इक्वल्स टू के, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया ना, तो क्या करो पूरा अंदर लिखो उस टू को, और पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में आप ऐसे लिखे एन, और बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया ना, तो इसको पूरा ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे एम लिखो. अब आर टू को कैसे लिख सकते हैं बताओ? आर टू इज इक्वल्स टू के टू रेस टू एन, और बाहर क्या आ जाएगा? बी के साइड से वन बाई टू रेस टू एम, और यहाँ पे ए बाहर लिख देता हूँ और यहाँ पे बी बाहर लिख देता हूँ, इजंट इट? डिवाइडेड बाय आर वन लिख देता हूँ. तो आर वन क्या है बताओ? के है, के तो सेम होगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ए रेस टू एन बी रेस टू एम. बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे लिखना बच गया ना, एन और एम लिखना रह गया. तो बताइए R2 अपॉन R1 क्या बच जाएगा? ऊपर बच जाएगा 2 रेस टू n, और यहाँ पर है 2 रेस टू m. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 रेस टू n माइनस m. क्लियर? सो अपना कौन सा सही आंसर हो गया यहाँ पे? B इज अवर राइट आंसर. क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ना, सिंपल है, बट क्वेश्चन अगर गलत पढ़ लिया R1 अपॉन R2 तो ऑप्शन ढूंढते रह जाओगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन को और सॉल्व करो स्टूडेंट्स, खुद से कर लिया. चलो फॉर अ रिएक्शन आई जस्ट इरेज दिस पार्ट. ऑलराइट, आई जस्ट राइट सॉल्यूशन हियर. हा, फॉर अ रिएक्शन हाफ ए गिव्स यू टू बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय द एक्सप्रेशन. अभी देखो जो हमारा नॉलेज है वो हम लिखते हैं यहां पे, रेट विल बी इक्वल टू व्हाट? अभी ये 1 बाई टू है ना, तो हम इसका उल्टा करते हैं ना, 1 बाई टू एज इट इज थोड़ी लिखते थे. जैसे अगर 2 होता है तो हम 1 बाई टू लिखते हैं, तो 1 बाई टू है तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. माइनस 2 लिखूं कि प्लस 2 लिखूं? माइनस 2. तो माइनस 2 डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. इन्होंने डी लिया है. अच्छा, डेल्टा और डी में फर्क क्या होता है? डेल्टा जब लोगे तो उसका मतलब एवरेज रेट, ओके, और डी लोगे तो इंस्टेंटेनियस. एवरेज बड़ा होता है, इंस्टेंटेनियस का वैल्यू छोटा होता है. डी टी इज इक्वल्स टू, और इसको कैसे लिख सकते हो? बी के आगे यहाँ पे क्या है? 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 बाई टू लिखेंगे. डी बी अपॉन डी टी, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? अभी इन्होंने सब जगह पे डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी ऐसा रखा है, तो हम भी क्या करते हैं ये 2 को ना वो साइड में लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी ए
बाई डी टी विल बी इक्वल टू 1/4 हो जाएगा ना। तो देखो अभी कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 1/4 चाहिए, ऑप्शन ए नहीं है बी, यस बी इज अवर राइट आंसर। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। चलो आगे बढ़े, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, डोंट वरी। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, सी एल टू एक्वस प्लस एच टू एस एक्वस गिव्स यू सल्फर सॉलिड प्लस टू एच प्लस एक्वस प्लस टू सी एल माइनस। ठीक है भाई, द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये रहा रेट इक्वेशन। यहाँ पे ब्रैकेट में स्टूडेंट्स सी एल टू है और है एच टू एस, ओके एच टू एस है। अभी इनके ब्रैकेट के टकले पे कुछ भी नहीं है। विच ऑफ दीज मैकेनिज्म्स इज अ कंसिस्टेंट इज और आर कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ। अब ये रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन मतलब ये एक्सपेरिमेंटली ढूंढा गया है कौन से स्टेप से एक रिएक्शन में, मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेप्स में से एक स्टेप ऐसा होता है जो स्लो स्टेप होता है, वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसी से इक्वेशन बनाया जाता है रेट का। तो सी एल का टकले पे वन है और एच टू एस के टकले पे भी क्या है, वन है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या दिया है, ये स्लो स्टेप दिया है और ये फास्ट स्टेप। स्लो में सी एल एक होना चाहिए, एच टू एस एक होना चाहिए, ये ऐसे बराबर दिया है। अभी यहां पर ये इन्होंने क्या दिया है, स्लो दिया है, बट स्लो में इन्होंने तो सी एल प्लस दे दिया और एच एस प्लस दे दिया है, तो ये तो गलत है ना। तो सही क्या दिया है, सिर्फ फर्स्ट वाला रिएक्शन, तो वन ओनली। क्लियर? तो क्या सीखा यहां पे, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही हम रेट लॉ इक्वेशन बना सकते हैं। ये डायरेक्टली ये रिएक्शन देख के रेट लॉ आप नहीं बना सकते, उसमें से स्लो स्टेप कौन सा है वो देखने के बाद आप रेट लॉ बना सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वीडियो को पॉज करें एंड सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स यू 4NO2 प्लस O2 द रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट्स आर। ओके, रेट दिया है अपने को, रेट कितना दिया है, 1.02 × 10⁻⁴ मोलारिटी पर सेकेंड, और रेट कांस्टेंट बोले तो के दिया है कितना, 3.4 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स दिया है। ओके, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम इज, ओके ये ऑर्डर में भी आता है। देखो रेट कांस्टेंट जो है इसका यूनिट पर टाइम दिया है या टाइम इनवर्स दिया है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आगे डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। तो ये रिएक्शन तो दिया है इन्होंने, बट क्या इन्होंने रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, नहीं दिया है। तो हमें तो पता चल गया है ना फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम लोग इसका रेट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू N2O5। अगर किसी बच्चे को पता नहीं होगा ये फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन में से ये टू देख के टकले पे टू टू डाल देगा, टू डाल देगा ऐसे, बट ये गलत है। टू क्यों नहीं डालना है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। वो कैसे पता चला, सेकंड इनवर्स से पता चल गया। तो रेट तो अपने को दिया है, अपने को पूछा क्या है, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, तो N2O5 इज इक्वल्स टू रेट अपॉन के, रेट क्या है, 1.02 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3.4 × 10⁻⁵। तो देखिए क्या आ जाएगा, 10⁻⁵ ऊपर जाएगा तो 10.2 हो जाएगा, ये 3.4 हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर आएगा 3 के अराउंड आएगा। तो देखिए ऑप्शन में 3 के अराउंड कुछ है क्या, देखो क्या है, 3 के अराउंड बी है ना ऑप्शन, तो फोर्थ का अपना आंसर क्या हो गया, बी। बात समझ में आई? हर क्वेश्चन में मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस है, और काफ़ी लोग बच्चे तो मिस्टेक करेंगे, फिर बच्चे बोलेंगे अरे हाँ सही ने, सर ने तो बहुत सही पकड़ा है यहाँ पे, मेरा तो यही तो गलती हुआ था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है होता है, बट इसीलिए तो वन शॉट सीरीज कर रहे कि इतने ज़्यादा MCQ सॉल्व करें और मैं आपको गाइड करूँ हर MCQs में, राइट। एक होता है आप खुद से MCQ सॉल्व करो, और एक होता है टीचर सॉल्व करवा रहा है तो वो गाइड भी करेगा कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज गिवन, 2P प्लस Q गिव्स यू प्रोडक्ट। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q इज
kept constant and concentration of P is doubled, then the rate of the reaction is. Elementary reaction बोले तो क्या, it is a one step reaction, मतलब ये वाला reaction ही पूरा करता रहता है, कोई slow step कोई fast step नहीं, एक ही single step ही तो है, तो इसी से आप rate law expression लिख सकते हो. तो rate will be equal to K into P के टकले पे 2 और Q के टकले पे कुछ भी नहीं आएगा 1. तो क्या बोल रहे हैं इन्होंने, ये लोग क्या बोल रहे हैं, Q is kept constant and P का क्या किया, double किया है. तो देखो कैसे लिखने का, double किया है तो bracket के अंदर डाल दो 2 को, ताकि वो भी स्क्वायर हो जाए आगे जाके. तो K और ये 4 बाहर आ जाएगा ना, P square and Q. तो as compared to the previous reaction, ये तो 4 times हो गया ना, तो आपका answer क्या होगा, double, half, quadrupled, remain same. C option is right. यहाँ पे बच्चे गिनती क्या कर सकते हैं, K is equals to 2 times किया है ना, ठीक है 2 को बाहर रख दिया, अब वो लोग double लिख के आएंगे exam में. ऐसा ना करो, ब्रैकेट के अंदर डालो इसको, क्लियर. चलो फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के बाद आ रहा है अपना सिक्स्थ. करिए वीडियो को पॉज करके सॉल्व. चलो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस रेट, रिएक्शन रेट. ओके चलो तो पहले लिख लें हम लोग, रेट इज इक्वल्स टू, समटाइम्स दिस पेन गेट्स एक्साइटेड, ये देखो इरेज करने के बाद भी आ जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब उन उससे ज्यादा शान है. रेट इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, माइनस 2 है तो 2 लिखूंगी, 1/2 लिखू, 1/2 लिखूंगा ना, 1/2 डी ए बाई डी टी, ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं फिलहाल टाइम बचाने के लिए, इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी, या तो इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/3 डी सी बाई डी टी, और क्या लिख सकते हैं, डी बी बाई डी डी, हाँ दीदी दीदी आ गई, ठीक है ओके दीदी. चलिए तो ऑप्शन ए सही है क्या, हाँ आ रहा है ना डी ए बाई डी टी, हाँ तो ऑप्शन सही है डी डी बाई डी टी. बी सही बोल रहा है क्या, बी बी, यस बी बी सही है. सी में देखो, सी में इन्होंने, ओहो सी तो पॉजिटिव है ना, बट इन्होंने क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया है, तो ये तो गलत हो गया. डी में डी बी बराबर दिया है, अपने को क्या पूछा है, विट डज नॉट एक्सप्रेस, तो अपना आंसर हो गया क्या, सी. बात समझ में आ रही है, कुछ लोग ये नॉट को तो इग्नोर ही मार देते, उनकी जिंदगी में ना है ही नहीं, कोई भी आता है वो हाँ ही बोलते हैं, ना तो बोलते ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में भी ना नहीं देखते है वो, डायरेक्टली पहला वाला हाँ हाँ ये सही दिया है मार्क करके आ जाते हैं. ऐसा ना करो यार, पूरा देखो, डज डजंट, ओके फॉलो डज नॉट फॉलो, ट्रू फॉल्स, ये सब देखिए आप लोग. सेवन 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 करो वीडियो को पॉज एंड सॉल्व करो. चलो सेवन करते हैं. फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल. देखो डबल डबल, इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. इसका मतलब जो ए है ए के टकले पे वन ही होगा, क्योंकि इस क्योंकि अगर ये होता है ए के टकले पे टू होता है तो इसको डबल करते थे तो फोर टाइम्स हो जाता था ना, बराबर. तो मतलब ए के टकले पे टू नहीं आएगा, ए के टकले पे क्या आएगा, वन ही आएगा. तो चलो ये तो पता चल गया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में ए दिखता कैसा है. नेक्स्ट सेकेंड, On doubling the initial concentration of both A and B, there is a change by a factor 8. Okay. तो ये तो समझ गया कि भैया A का अगर हम double करेंगे तो 2A हो जाएगा. But B का अगर double कर रहे हैं तो दोनों का double मिला के 8 गुना 8 times बढ़ रहा है. इसका मतलब यहाँ पे 4 आया होगा, और 4 कैसे आया होगा जब B के टकले पे square है. बात समझ में आ रही है कि नहीं, कहने का मतलब देखो इसका इक्वेशन ऐसा होगा, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए, ए के टकले पे कुछ भी नहीं आएगा और बी के टकले पे क्या आएगा, स्क्वायर. अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, दोनों को डबल किया तो के इंटू टू ए हो जाएगा, और इसका टू आप अंदर लिखोगे तो आगे जाके अल्टीमेटली क्या होगा, वो फोर हो जाएगा ना स्क्वायर होके, तो ए और बी के टकले पे टू, तो फोर इंटू टू 8 हो गया ना, यहाँ पे 8 टाइम्स हो रहा है ना. तो दिस इज अवर रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या,
ऑप्शन सी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं? इसके पहले कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? सिक्स्थ किया था। ओके ये है आपका सेवेंथ क्वेश्चन जिसका आंसर है सी। डन, आगे बढ़े गया, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, करें सॉल्व। फॉर द रिएक्शन N2+3H2 गिव्स यू 2NH3। ओके धन्यवाद, हेबर्स प्रोसेस है ये। इफ DNH3/dt इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक ही तरीके के क्वेश्चन अलग अलग वे में इन्होंने पूछे हैं। तो यहां पे रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, NH3 और H2 को कंपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं N2 का नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ H2 और NH3 का लिख रहा हूँ। तो -1/3 dH2/dt विच विल इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। ये है इन दोनों के बीच में रिश्ता। तो आपको समझ में आ गया ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है कि भैया -1/3 dH2/dt इज इक्वल्स टू 1/2 dNH3/dt। ओके सो पूछा गया है। ऑलराइट, तो हमें -1/3 dH2/dt इज इक्वल्स टू, ये 1/2 एज इट इज लिखता हूँ, ये भाई साहब का वैल्यू दिया है। ओके मतलब इस वाले पार्ट का वैल्यू दिया है अपने को, कितना? 2×10⁻⁴। तो मैं ये क्या करता हूँ, -dH2/dt को एक ही साइड रखता हूँ, 3 को वो साइड फेंक देता हूँ। बाय द वे ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 वो साइड चलेगा, तो 3×10⁻⁴, दिस इज अवर आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। क्लियर है? तो पहले आपको रिश्ता निकालना था दोनों के बीच में, एंड वैल्यूज डाल के आपको आंसर निकालना था। क्लियर? तो 8 क्वेश्चन हो गए भैया अभी तक, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी नेक्स्ट है रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो ये चीज तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब बात करते हैं ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी के। देखो बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ पावर्स रेज्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, जैसा हम करते हैं ना ए के टकले पे या तो लेट्स से अल्फा या बी के टकले पे बीटा। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, बीटा क्या है, इट इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, एंड अल्फा प्लस बीटा ये पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है। क्लियर? मॉलिकुलैरिटी बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट, मतलब आपने देख लिया 2A+B, तो मतलब दो मॉलिक्यूल ए के और एक मॉलिक्यूल बी का रिएक्ट कर रहा है। नाउ ये जो ऑर्डर है ये आप एक्सपेरिमेंट से ढूंढते हो स्लोएस्ट स्टेप निकाल के, ये तो अ थियोरिटिकल वैल्यू है मॉलिकुलैरिटी। नाउ ये जो है इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, राइट? 2.5 भी आपको आ सकता है, इंटीजर वैल्यू आएगा। इट कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल, जीरो फ्रैक्शनल, जीरो मॉलिक्यूल। मॉलिकुलैरिटी मतलब क्या, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। आप बोल रहे हो मॉलिकुलैरिटी जीरो, मतलब गायब, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर आप बोलते हो मॉलिकुलैरिटी 1.5 है, तो मॉलिक्यूल का एक टांग अंदर एक टांग बाहर, ऐसा थोड़ी ना होगा यार, बराबर? तो मॉलिकुलैरिटी विल बी अ होल नंबर, इजंट इट, वो जीरो या फ्रैक्शन नहीं होगा। ऑर्डर इट मे हैव अ नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे इट विल नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट दे नहीं रहा है, लेके जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा यार। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे रेट कांस्टेंट या तो फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। सो रेट इज इक्वल्स टू K×A^(α/β)। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट्स ऑफ ए के बारे में बात करते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। लेट्स से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो लेट्स से ए गिव्स बी, तो रेट क्या बोलेंगे, रेट इज इक्वल्स टू K×A^α। अगर जीरो ऑर्डर है लेट्स से, तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा ना, तो एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, तो रेट इज इक्वल्स टू के। अभी रेट का यूनिट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो वही आपका के का यूनिट हो गया ना भैया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन से ऑर्डर में रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट वही होता है जो रेट का होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया भैया, ये तो जीरो ऑर्डर में होता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, यहां पर देखो, देखो सिंपल है कि दुनिया भर में कोई भी ऑर्डर पूछने दो ना, आप ऐसे निकालो। अब यहां पे क्या है, रेट इज इक्वल्स टू K×A है, तो रेट का क्या है, C/T है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, K का ढूंढना है, और ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको भी C लिखो, तो C और C कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, टाइम बचा ना,
इसलिए के इज वन अपॉन टाइम. अब वो वन अपॉन सेकेंड हो सकता है, वन अपॉन मिनट हो सकता है, वन अपॉन आवर्स हो सकता है. देखो इसी का एक क्वेश्चन किया था ना हम लोग ने पहले, जिससे के यूनिट से सेकेंड इनवर्स था, तो उससे पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर था. सेकेंड ऑर्डर में देखो, सेकेंड ऑर्डर में आया तो ये सी स्क्वायर लिख दिया है मैंने, तो यहाँ का सी गया, यहाँ का एक सी कैंसिल हो गया और यहाँ का टू कैंसिल हो गया एक, बराबर. तो सी को नीचे ले लो तो वन अपॉन सी टी. अब ये वन अपॉन सी लेट से मोलैरिटी है, मतलब मोल्स पर लीटर, तो मोल नीचे लिखता हूँ, लीटर ऊपर लिख देता हूँ. समझ आ गया? तो कोई भी ऑर्डर आने दो, इस तरीके से आप लोग आंसर निकालो. कुछ लोग वो शॉर्ट फॉर्मूला आता है, शॉर्टकट एन माइनस वन वगैरह वगैरह, भाई वो भूल जाते हैं यार बच्चे. आप इस तरीके से हमेशा याद रखो, कभी भी किसी भी जगह आप डिराइव कर सकते हो. आगे बढ़े. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, राइट, किसके किसके साथ नाता है, किसके साथ नहीं है, किसके ऊपर ये निर्भर करता है, किसके ऊपर नहीं करता है. तो जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा रेट होगा. के इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस. के डिक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस. डिफरेंट रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन के अलग अलग वैल्यू ऑफ के होंगे. के चेंजेस विद टेम्परेचर, याद रखना भैया, रेट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो याद रखना, के किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है. चलो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी के. यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो आ गया पहले ही, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एम. करें सॉल्व, चलो फिर करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर पूछा है ना, फर्स्ट ऑर्डर का कैसे निकालोगे? देखो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया. इसका क्या है? सी बाई टी. और इसका क्या है? सी. ये कैंसिल कैंसिल कर दो, पर टाइम आ जाएगा, पर सेकेंड. तो ए आपका सही हो सकता है, बी सही हो सकता है, सी गलत है, डी गलत है. तो देखो लाइफ लाइन एक यूज कर लिया आपने, 50-50. अभी आगे देखते हैं. अभी क्या बोला है? जीरो ऑर्डर. तो आर इज इक्वल्स टू के ना, मतलब सी बाई टी, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. तो कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखेंगे? मोलैरिटी लिखेंगे, अपॉन टाइम इज सेकेंड. तो मोलैरिटी अपॉन सेकेंड, ऐसा कोई ऑप्शन है? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है. तो एक्चुअली इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है. इसमें इन्होंने क्या करना चाहिए था? ये जो लीटर लीटर इनवर्स है ना, इसको हटा देना चाहिए था. या तो फिर इनको ऐसे देना चाहिए था, मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स. या तो ये सही होता या तो ये सही होता, मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स. बात समझ में आ रही है? सो दिस इज योर आंसर. तो अगर इसको मैं हटा दूँ ये वाले पार्ट को, तो ये अपना आंसर हो जाएगा. क्लियर? चलो नाइन्थ हो गया है, अब बात करते हैं टेंथ के बारे में. लिख लो, सॉल्व कर लो इसको. द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन ऑलरेडी दिया है और इसका रेट इक्वेशन दिया है. चलो ऑर्डर तो पता चल गया, पूरे रिएक्शन का सेकेंड ऑर्डर है. के इज इंडिपेंडेंट, करेक्ट पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट. देखो मैं भी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, अभी पढ़ रहा हूँ. करेक्ट स्टेटमेंट, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी. बात सही है कि नहीं? बात तो सही है ये. तो अपना डायरेक्ट वैसे ऑप्शन ए तो आ ही गया, आगे देखते हैं. टी हाफ इज कॉन्स्टेंट सेकेंड ऑर्डर के लिए? नो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कॉन्स्टेंट हो सकता है, सेकेंड के लिए नहीं. तो ये तो गलत दिया है. यूनिट ऑफ के इज सेकेंड इनवर्स? नहीं, सेकेंड इनवर्स किसके लिए? सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए. ये देखो ये तो सेकेंड ऑर्डर है ना, वन प्लस वन सेकेंड ऑर्डर है, ये भी गलत है. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज सी इज ट्वाइस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. नहीं, गलत दिया है. जब दो मोल्स ऑफ ए डिसअपीयर होगा तब जाके ए मोल, एक मोल ऑफ सी डिसअपीयर अपीयर होगा. तो इन्होंने उल्टा दिया है, तो ये भी गलत है. अपना सही आंसर क्या है टेंथ का? ए. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन. द रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी, दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स है, कैन नेवर बी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछता है. अच्छा देखो, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी. अगर मैं आपको बोलूं इस रिएक्शन का ऑर्डर वन हो सकता है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पे तो दो मॉलिक्यूल है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, मॉलिक्यूल दो है ना, ऑर्डर तो हम लोग उसके स्लो स्टेप से निकालते हैं, तो हो सकता है उसका ऑर्डर सिर्फ वन हो. जैसे SN1 रिएक्शन में RX भी रिएक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्ट करता है, बट उसमें रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ RX के ऊपर डिपेंड करता है. तो मॉलिक्यूल तो दो है बट ऑर्डर तो सिर्फ वन ही है ना, तो ऑर्डर वन हो सकता है.
हो सकता है ऑर्डर टू भी हो, जैसे एस एन टू में, तो ये ए बी बात तो सही दी है, सी बात भी सही है। बाय मॉलिकुलर रिएक्शन, हाँ इन्होंने बोला है ना रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट, दो डिफरेंट रिएक्टेंट है तो दो मॉलिक्यूल तो है ही है ना उसमें, तो डी भी सही है। क्या गलत दिया है, कैन नेवर भी पूछा है, तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा ए, यूनिमॉलिक्यूल। ये खुद बोल रहे हैं कि भैया दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, राइट, तो वो यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, दो है तो दो बाय मॉलिक्यूलर होगा ना, यूनि कैसे होगा, क्लियर। तो ये था 11th। 12th क्वेश्चन, अ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं सेकेंड ऑर्डर, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के टकले पे मैं टू लिखता हूं। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल्ड विथ एवरी एल्स केप्ट द सेम द रेट, अरे सिंपल है ना, ये तो पहले भी किया हुआ है, अगर इसको डबल कर दोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, तो मतलब ये फोर टाइम्स हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ फोर। तो 12th का आपका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब सबसे ज्यादा अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो ये 13 आप मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। 90% मैंने बच्चे देखे हैं इसका आंसर गलत निकाल के आता है। ओके, सो क्या है इसका सोल्यूशन, चलो देखते हैं क्या गलती करते हैं। आप लोग पहले आंसर निकालो खुद का, डन। सो फॉर द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ एनओ विथ Br2 टू फॉर्म NOBr, ठीक है। तो टू स्टेप रिएक्शन है, पहला स्टेप जो है अगर आप देखो तो ये रिवर्सिबल स्टेप है, दूसरा स्टेप में ओके, इफ द सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये सेकेंड स्टेप अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। पूछा क्या है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनओ पूछा है, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पूछा है, विद रेस्पेक्ट टू एनओ पूछा है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो दिया है ना, तो अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, रेट इज इक्वल्स टू कौन सा है, सेकेंड स्टेप है ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो एनओ बी आर टू के लिखना पड़ेगा ना मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा एनओ, क्लियर। तो बच्चा क्या करेगा, एनओ के टकले पे क्या दिख रहा है, वन, तो बी मार्क करके आ जाएगा, बट वो गलत है। ऐसा कैसे सर गलत हो गया, अरे भैया देखो बहुत जबरदस्त चीज है इसमें, एनओ बी आर टू जो है फर्स्ट स्टेप में भी आया एंड एनओ बी आर टू सेकेंड स्टेप में भी आके गायब हो गया। ऐसी चीज जो फर्स्ट स्टेप में आती है बट सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट तो गायब हो जाता है ना, तो इंटरमीडिएट अगर गायब हो गया तो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं, ऐसे हर ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें एक स्टेप रिवर्सिबल ये लोग देते ही हैं, तो फर्स्ट जो स्टेप है रिवर्सिबल उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। तो बताओ केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है एनओ बी आर टू अपॉन रिएक्टेंट क्या है एनओ एंड दूसरा है बी आर टू। अब मुझे बताइए देयरफॉर हमें किसको हटाना है, एनओ बी आर टू को हटाना, बिकॉज दैट इज द इंटरमीडिएट, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, केसी इंटू एनओ इंटू बी आर टू, चलो आई पुट अ लाइन हियर, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू एनओ बी आर के बदले क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट पूरा लिखेंगे, के सी ब्रैकेट में आएगा एनओ और यहाँ पे आ जाएगा बी आर टू, और क्या बचा है यहाँ पे, एक और एनओ बचा है ना, उसको मत भूलना मत लिखना, के इंटू के सी इज ए न्यू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट गिव्स यू न्यू कॉन्स्टेंट, तो के आ जाएगा यहाँ पे, और एनओ एनओ दो बार है तो एनओ के टकले पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा ना, दिस इज अवर आंसर। बताओ एनओ के टकले पे क्या है, टू, सो द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एनओ इज टू, तो 13th का ए है बी नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन में तो मजा आ जाना चाहिए आपको, मजा आ गया है तो लाइक दबा देना बटन और कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, ठीक है, आई गिव यू हार्ट, डोंट वरी, ठीक है, कितना प्रमोशन करता हूँ ना मैं, मारवाड़ी हूँ क्या करूँ, ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग कुछ सॉल्व करिए, हायर ऑर्डर दैट इज मोर देन 3 रिएक्शन आर वेरी रेयर, ऐसा क्यों,
Option A, low probability of simultaneous collision of all the reacting species, increasing in entropy, shifting of equilibrium, loss of. देखो इसका बड़ा सिंपल है यार. अगर एक बीकर है, उसमें अगर दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, तो उसको पता है ना ए को बी के साथ करना है, बी को ए के साथ करना है. क्या करना है उनकी मर्जी, आपको क्या करना है. ओके, जो करना है वो करेंगे. ओके, और जो प्रोडक्ट देना है वो देंगे. तो उसको पता है पिक्चर क्लियर है, एक ही है सामने और उसके सामने भी एक ही है, राइट. बट अगर बीकर में ए भी है, बी भी है, सी भी है, ए भी करना चाहता है, बी भी करना चाहता है, सी भी, तीनों करना चाहते हैं, तो करेंगे किसके साथ. ओके, थ्री ऑफ देम विल डू समथिंग, थ्री ऑफ देम विल डू समथिंग. ऑलराइट, आई होप आपको जोक समझ में आया. नहीं समझ में आया तो बाद में आएगा कभी ना कभी. ओके, थ्री विल डू समथिंग, बट वो कंफ्यूज रहेंगे ना यार. ए कंफ्यूज रहेगा, मैं बी के साथ रिएक्ट करूं कि सी के साथ रिएक्ट करूं. सी कंफ्यूज रहेगा, ए के साथ करूं कि बी के साथ करूं. और अगर मैंने चार चार मॉलिक्यूल डाल दिए, ए बी सी डी, सत्यानाश, सर पीटेंगे ये लोग दीवार पे. अरे करे तो करे किसके साथ, बराबर. सो एक साथ एक ही बंदा क्या सबको ले सकता है, एक साथ सबके साथ रिएक्ट कर सकता है, बड़ा मुश्किल है ना यार. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक ही टाइम पे एक बंदा सबके साथ कोलाइड करे. तो अपना आंसर क्या हो गया, 14th का ए, सिंपल है. देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. तो ये जो ओरिएंटेशन होता है ना अटैक का, वो भी इंपॉर्टेंट होता है. आप आगे से करना चाहते हो कि पीछे से करना चाहते हो अटैक. देखो SN1 SN2 में आगे से ब्रोमीन या क्लोरीन रिपल्शन थे, तो वो पीछे से करना चाह रहा. तो ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन से साइड से कैसे करते हो. ओके, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ. ओके, कुछ और सोच के बुक बंद कर कर चले मत जाना किधर, ठीक है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15. So, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15. चलो पढ़ते हैं. 2A gives you B plus C. It would be zero order reaction when. Zero order का मतलब क्या, rate is equals to K. A के टकले पे क्या आएगा, zero. मतलब R is equals to K, कोई टेंशन ही नहीं है. The rate of the reaction is proportional to square of concentration. चल कुछ भी बोलता है, zero order बोला ना तूने. The rate of reaction remains same at any concentration of A. सही बोला ना, A को change करो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि zero order है. The rate remains unchanged at any concentration of BC. भैया BC के ऊपर depend ही नहीं करता, rate depends upon concentration of reactant and not products. तो ये नहीं आएगा. The rate of the reaction doubles if B. B से तो मतलब ही नहीं है ना, option में क्यों दे रहा है भाई तू. तो अपना 15th का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, बी. क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था यार. 16th, द रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम. आप चुटकी बजा के आंसर आना चाहिए, चुटकी बजा के. ओके, चना मूंगफली आपके लिए. तो ये R इज इक्वल्स टू K किस में होता है, R के जीरो ऑर्डर रिएक्शन में. क्लियर, 16th का आंसर स्ट्रेट अवे बी. अब तक तो दिमाग में घुस जानी चाहिए ये बात. 17th क्वेश्चन, 17th, बट हमें इससे कोई नहीं है खतरा क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. ओके, सो द रिएक्शन ओबेस फर्स्ट ऑर्डर, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू H2 एंड ICl. मतलब H2 के टकले पे भी 1 है और ICl के टकले पे भी 1 है. तो ये रिएक्शन दिया इन्होंने, मतलब क्या होगा, R इज इक्वल्स टू K. ये अपना रेट लॉ इक्वेशन हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज इन कंसिस्टेंट विद द गिवन फैक्ट. मतलब अपने को सही स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है. मैकेनिज्म A है, B है. ओके, B में दो स्टेप है, फर्स्ट एंड सेकेंड. A में दिया है H2 प्लस 2 ICl. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्लो है कि फास्ट है वो बताएंगे. मैकेनिज्म B में H2 ICl, ये स्लो स्टेप है. हाँ, बात बराबर है, स्लो स्टेप है क्योंकि अपना स्टोइकियोमेट्री इज 1:1. HI गैस प्लस ICl गिव्स यू. ओके ओके, तो यहाँ पर सही कौन सा है दोस्त, मैकेनिज्म A सही होगा कि मैकेनिज्म B? मैकेनिज्म A मतलब इन्होंने एक सिंगल एलिमेंट्री स्टेप दिया है, मतलब इसी स्टेप से आप रेट लॉ बनाओगे. मतलब R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K H2, और यहाँ पर ICl के टकले पे क्या आएगा, 2 आएगा. तो ये तो गलत है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला था कि ICl इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ICl. तो अपना आंसर क्या होगा, मैकेनिज्म B जो दिया है वो सही दिया है. तो आंसर क्या है,
डी ओनली. तो 17 का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स अपना, डी. आई होप आपको राइट आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर इज इनकरेक्ट, गलत पूछा है. ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, आ गया ना आंसर, यही तो है ऑर्डर भैया. ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता. अरे यार इसको थोड़ा सा ठिकाने लगाना पड़ेगा अपने को. नेगेटिव भी हो सकता है ये, राइट. फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ भी. ऑर्डर है, अपने ऑर्डर से काम करता है वो. अरे मस्त जोड़ा ना, ऑर्डर है अपने ऑर्डर से काम करता है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, बहुत जोरदार है. ठीक है, 18th का आपका आंसर क्या हो गया, ए स्ट्रेट अवे, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था. आगे बढ़ते हैं 19th. द रेट ऑफ द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स यू 4NO2. ये तो रिएक्शन बहुत बार देखते हैं ना ये, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में. कैन बी रिटन इन थ्री वेज. ओके, यहां पर एक रेक्टिफिकेशन किया है मैंने, ये है NO2. हाँ, कैन बी रिटन इन थ्री वेज. ठीक है, तो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है. द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के डैश एंड बिटवीन, किसके बीच में रिश्ता पूछा है, के एंड के डैश, के एंड के डबल डैश, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो सॉल्व करें इसे. तो पहले क्या करते हैं ना, हम अपना रेट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. तो रेट इज इक्वल्स टू, ये वाले इक्वेशन से क्या लिखेंगे, -1/2 डी N2O5 डिवाइडेड बाई डी टी, विच विल बी इक्वल टू 1/4 NO2, अच्छा DNO2 आएगा, ओके आई जस्ट मिस्ड डी, डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू भैया DO2 डिवाइडेड बाई डी टी. चलो ओके, तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि -DN2O5 dt इज इक्वल्स टू KNO2. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस माइनस और दिस वाला पार्ट, मैं KNO2 लिख लेता हूँ इसके बदले. तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2, ये माइनस नहीं आएगा, ओके दिस इज 1/2, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ KN2O5 इज इक्वल्स टू, और क्या दिया है, DNO2 डिवाइडेड बाई dt इज K-N2O5, तो ये 1/4 तो रहेगा ही, K-N2O5 is equals to, ये दिया है K-, ओके K-N2O5, डबल डैश को कुछ लोग प्राइम भी बोलते हैं, इट्स ओके. रिश्ता किसके बीच में रिश्ता निकालना है, K और K-, मतलब इन दोनों के बीच में. तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, हाफ के NO2 गया ना, इज इक्वल्स टू 1/4 K-N, राइट. तो K इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखे, 4 को वो साइड लेके जाता हूँ, तो 2K इज इक्वल्स टू K- आ रहा है, 2K इज इक्वल्स टू K-, ये रिश्ता क्या कहलाता है, 2K इज इक्वल्स टू K-. तो कौन सा हो सकता है, 2K इज इक्वल्स टू K-, A हो सकता है, B हो सकता है, C नहीं होगा, D नहीं होगा, तो A, B. नेक्स्ट ढूंढते हैं इनके बीच में, किसके बीच में, K एंड 1/2, ये दोनों के बीच में मत ढूंढ देना, K और K-, चाहिए. तो स्टार्टिंग वाला इज इक्वल्स टू K-, ओहो तो ये तो क्या हो गया, K इज इक्वल्स टू K-2K-, या तो फिर ये वाला रिलेशन. तो कौन से ऑप्शन में दिया है ऐसा, 19th का, बी में दिया है ना, सो बी इज अवर आंसर, ए इज नॉट द आंसर. तो 19th का आंसर क्या हो गया, बी. बढ़िया क्वेश्चन था ना, चीजों को रिलेट करके अपने को आंसर निकालना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग करो पहले सॉल्व. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके इसी के जैसे एक और क्वेश्चन आगे भी दूंगा, मजा आ जाएगा आपको. चलो क्या है, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 degree राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल. कहने का मतलब है, अगर पहले टेम्परेचर 10 degree Celsius था और उस पर रेट था R, तो 10 का आप 10 और बढ़ा दो, मतलब 20 degree Celsius कर दो, तो रेट डबल हो जा रहा है. इसमें 10 और बढ़ा दो, 30 degree Celsius कर दो, तो ये हो जा रहा है डबल, 4R हो जा रहा है. ऐसे करते करते इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 degree Celsius टू 100 degree Celsius द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी. अब इसमें ऐसा तरीका है,
आप ऐसा ही 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसा करते जाओ। 4 का 4 का 8, 8 का 16, ये ऐसा लग रहा है आप कोरोना वायरस के पेशेंट्स का काउंट ले रहे हो। ऐसा नहीं करो। ओके, सो इसको ऐसे सॉल्व करने का तरीका है, रेट इज इक्वल्स टू, आप क्या करो, नया रेट कैसे निकालोगे, आर टकले पे चेंज ले लो, पहले कितना था और बाद में कितना टेम्परेचर हुआ उसका डिफरेंस, पहले कितना था 10 डिग्री सेल्सियस और बाद में कितना था, बाद में कितना निकला, अच्छा इस डबल हो रहा है ना, 2 नहीं लेता हूँ, आर नहीं लेता हूँ, 2 लेता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 90 का है, डिवाइडेड बाय कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से डबल हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से डबल हो रहा है ना, तो आंसर विल बी 2 raised to 9। तो अपन ऐसा करते हैं ना इसको, 2 raised to 3 into 2 raised to 3 into 2 raised to 3 ऐसा करेंगे तो भी चलेगा ना, 3 3 3 प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना होता है, 8 8 into 8 हो ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 64 into 8 मतलब 640 से थोड़ा सा कम आएगा, 512 इज द आंसर। क्लियर, तो क्या करना है, डबल हो रहा है ना तो 2 लोगे, 2 raised to कितने कितने से इंक्रीज हुआ वो डिफरेंस लेना, डिवाइडेड बाय कितना टेम्परेचर बढ़ाने से डबल हो रहा है। अंडरस्टूड, ये फॉर्मूला आप खुद अपने शब्दों में कहीं पे लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के जैसा करवा रहा हूं, आपको खुद को करना है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस। पहले वाले क्वेश्चन और अभी वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, मजा आ जाएगा इसमें। इसमें क्या बोला है, 200 डिग्री मतलब 100 तक पहुंच गया वो, और ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, 50 से इंक्रीज किया, मतलब डिफरेंस बताया, अपने को वही तो चाहिए ना, 2 raised to डिफरेंस कितना है, 50 से बढ़ाया है ना और 10, तो कितना हो जाएगा, 2 raised to 5, तो कितना होता है भैया, 2 raised to 3 into 2 raised to 2, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4। ओके, 32 इज द आंसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 32 आ गया ना। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अपने नोट्स में कहीं पे इसका फॉर्मूला बनाइएगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस ना इधर उधर पड़े हुए थे, मुझे बैठ के सबको सेग्रीगेट करके कौन सा टाइप किस में आएगा, कौन से टाइप के पीछे कौन सा टाइप लगाऊं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको तो यार 1-1.5-2 घंटे में वीडियो मिल जाती है, आप देख के ख़त्म, बट यहाँ पे इट टेक्स अ कंप्लीट डे टू मेक वन वीडियो। पहले तो आप शॉर्टिंग करो, फिर शॉर्ट करने के बाद उस क्वेश्चन के फ़ोटो लो, PPT में डालो, फिर उसको अरेंज करो, क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन का आंसर्स देख ले एक बार, क्रॉस चेक कर लो, राइट। यहाँ पे 4 गैजेट है, कैमरा, लैपटॉप, पैड एंड रिकॉर्डिंग, तो उसको फिर ज्वाइन करके एडिटिंग करो, राइट। सो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, एक टीचर के लिए काफ़ी एफर्ट्स होता है, मैं ही नहीं बाकी सब टीचर जो भी वीडियो बनाते हैं, राइट। चलिए एनी विच वेस्ट, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर, अभी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे इन डिटेल, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो आप अपने नोट्स में लिख लो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सो यहां पे मैंने अपने नोट्स के ही पिक्चर्स चिपकाए हैं स्टूडेंट्स, सो काफी आसान हो जाएगा। लेट CR बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑलराइट, और रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने यहाँ पे raised to n लिखा है, R इज इक्वल्स टू K into CR raised to n। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, तो CR के टकले पे 1 है। नाउ क्या ये इक्वेशन हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, Y इज इक्वल्स टू mx प्लस C नहीं है, मतलब C दैट इज Y कोऑर्डिनेट इज 0, स्लोप भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसे आएगा, ओरिजिन से शुरू होगा ऊपर की तरफ, और स्लोप आपका क्या होगा, स्लोप इज योर रेट कांस्टेंट के। नेक्स्ट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या लिखा है, लेट CR बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ जनरल रेट लॉ क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CR raised to n फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n इज इक्वल्स टू 1। तो देखो एक तो हम इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, या तो हम इस रिएक्शन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, R इज इक्वल्स टू माइनस DCR/dt, इक्वेशन ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, तो दोनों को अगर इक्वेट करें सो ये अपने को फाइनल आंसर आ रहा है। सो दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन,
और इसी का हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाते हैं। सो ये रहा अपने पास इक्वेशन डिफरेंशियल, हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, सी आर सी आर को एक साथ लेकर आ रहे हैं, अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं सी जीरो अपॉन सी टी, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी, और ये है जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक। सो सी जीरो क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सी टी में कन्फ्यूज मत हो जाना या सी आर में कन्फ्यूज मत हो जाना, इट इज कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग जो बच गया है। कई बार क्वेश्चन में आता है ना 40% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो 40% आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बचा है, 40% चला गया है, आपका 60% बचा है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली अपने को क्या आएगा, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी जीरो अपॉन सी टी, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10 सी जीरो अपॉन सी टी। अगर मैं 2.303 हटा दूं तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग सी जीरो अपॉन सी टी, दैट इज लॉग टू द बेस ई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर ऑल्टरनेट फॉर्म। अब देखो, एक तो इस तरीके से लिख ही सकते हो, अगर लेट से सी जीरो को हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए मान ले तो सी टी का मतलब क्या, इनिशियल में से एक्स निकल गया, लेट से एक्स क्या है जो अमाउंट कंज्यूम हो गया, तो आप इसको ए अपॉन ए एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल चीज है। हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच, ये सी बार कहीं भी मेरे नोट्स में, मैं जो भी अगर नोट्स अटैच करूं अभी या फ्यूचर में सी बार ऐसा दिखा तो मैं, वो विच है उसका मतलब, ओके, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म आई लर्न फ्रॉम माई फार्मेसी कॉलेज, तो वो एक आदत पड़ गई है। टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेड्यूसेस बाय हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, रेड्यूसेस। नाउ के इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन तो है ये, नाउ ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन, तो व्हाट इज सी टी, ना टी क्या हो गया, टी को हम क्या लिखेंगे अभी, टी हाफ, हाफ टाइम, और सी टी को क्या लिखेंगे, ये इनिशियल का आधा हो गया ना। तो देखो मैं चाहिए तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता सकता हूँ, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, राइट, क्योंकि ये तो हाफ लाइफ है, 50% कंज्यूम हो गया, हो सकता है कल को आपको बोले 40% कंज्यूम हो गया, 30% कंज्यूम हो गया, तो किसी भी क्वेश्चन का फाइनल फॉर्मूला कैसे निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो सी टी के बदले क्या लिखोगे यहाँ पे, सी जीरो बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा, सी जीरो कैंसिल, लॉग टू का वैल्यू क्या है 0.3 आप ले सकते हो, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो अगर आप देखो टी हाफ के फॉर्मूला में फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व है क्या, कॉन्सेंट्रेशन नहीं इन्वॉल्व है, मतलब टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, नीचे भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्लियर। Now, T half को आप कैसे लिख सकते थे, अगर आपको 2.303 हटाना है तो log to the base 10 क्या बन जाता है, ln, तो T half is equals to ln of 2 divided by k, ये भी सही है equation है, alright, ऐसे question आता है ना, which among the following is true, तो उसमें ऐसा भी एक equation बना के आपको दे सकता है, okay, half life for first order, अगर देखो क्या लिखा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कॉन्स्टेंट, ऑलराइट, ये इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं। थ्री फोर्थ लाइफ मतलब क्या, थ्री फोर्थ अमाउंट कंज्यूम हो चुका है, बचा कितना है 1/4, तो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टी को क्या लिखेंगे, टी को लिखेंगे टी 3/4, और सी टी को क्या लिखेंगे, सी 0/4 लिखेंगे, क्यों ऐसा सर, अरे भाई 1/4 बचा है ना, किसका बचा है, इनिशियल का 1/4 बचा है, तो इसी को आप अगर इक्वेशन में डालो और ये वाला पार्ट आपका जो है क्या हो जाएगा इस तरीके से, विच इज टी हाफ, तो आपको फाइनली ये इक्वेशन आएगा। तो कोई भी आपको ऑर्डर आया, अगर यहाँ से एंथ फ्रैक्शन आया, सॉरी ये कट हो गया है, सो सॉरी फॉर दैट, एंथ फ्रैक्शन आया तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, क्लियर। चलो एक टेस्ट करते हैं आपको आता है कि नहीं, 30% कंज्यूम हो गया रिएक्टेंट, तो बताओ सी टी क्या लिखोगे आप, सी टी विल बी इक्वल टू 30% कंज्यूम हो गया तो बचा कितना, 70% ऑफ सी जीरो, दैट इज सी जीरो इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100, बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
जीरो ऑर्डर को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। जीरो ऑर्डर में क्या आ जाएगा, फाइनली ये एक इक्वेशन आ जाएगा, उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो रेट और सीआर का कोई रिलेशन नहीं है, तो ग्राफ सीधा 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 जाएगा। ये है आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, बराबर के इज इक्वल्स टू माइनस डी सी आर बाई डी टी। डिफरेंशियल के बाद ही तो इंटीग्रेटेड निकालोगे ना, तो इंटीग्रेटेड आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली आपको क्या आंसर आएगा, ये दैट इज के इज इक्वल्स टू सी जीरो माइनस सी टी डिवाइडेड बाई टी। क्लियर है कि नहीं, बताओ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी जीरो बाई सी टी। यहाँ पे कोई लॉग वॉग का लफड़ा नहीं है, सी जीरो माइनस सी टी डिवाइडेड बाई टी करना है आपको सीधा। आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ पे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। देखो टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर, अब इसको कैसे निकालेंगे। तो अपने पास क्या है, किधर है इक्वेशन, टी क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, सी टी बोले तो सी जीरो बाई टू। ये है अपने पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो के टी को एक साथ ले लिया और सी जीरो माइनस सी टी। तो देखो सी जीरो माइनस सी टी के बदले क्या लिखेंगे, सी जीरो बाई टू लिखेंगे और टी के बदले टी हाफ लिखेंगे। तो फाइनली आपको क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू सी जीरो अपॉन टू के। तो अगर कोई आपको पूछे कि भैया जीरो ऑर्डर में टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कि आप क्या बोलोगे, यस डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और के में क्या है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के था, बट फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। टी हाफ के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ। कभी कभी बोलते हैं तीन हाफ लाइफ के बाद में क्या बचेगा। जैसे लेट्स से कोई एक रिएक्शन का हाफ लाइफ है एक मिनट, बहुत कम ले लिया है बट एक मिनट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास वन मोलार कॉन्सेंट्रेशन था, तो टी हाफ के बाद, टी हाफ बोले तो कितना, वन मिनट, टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा, 0.5 मोलार। इसका आधा कर दो 0.0, कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा ना। तो टी हाफ इसका कितना हो जाएगा, वन मिनट। तो दो हाफ लाइफ के बाद ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, दो हाफ लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना बच गया, 0.25 मोलार। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, एट्थ हाफ लाइफ, टेंथ हाफ लाइफ ऐसे भी आ सकते। तो उसमें ये करने जाओगे, ये वाला मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, तो फंस जाओगे। देखो कैसे निकालने का, अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट, ये आपके नोट्स में भी लिख लेना, अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि आधा हो जाता है ना। पहले देखो रिएक्शन डबल हो रहा था तो 2 ले रहे थे, 2 रेस टू समथिंग, बट यहाँ पे क्या लिया है, हाफ, हाफ रेस टू एन इंटू द इनिशियल अमाउंट। लेट्स से टी हाफ कितना है, 40 डेज है, तो 560 दिन बाद कितना होगा, 560 दिन मतलब कितना हाफ लाइफ, तो 560 डिवाइडेड बाई 140 करेंगे, मतलब ये लोग कितने हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, चार हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमाउंट कितना बचेगा आफ्टर फोर हाफ लाइफ, 1/2 डिवाइडेड बाई कितना हाफ लाइफ है, 4, और स्टार्टिंग में कितना ग्राम था, लेट्स से 1 ग्राम था, तो आंसर क्या आएगा, 1/16। तो 1/16 ग्राम बचेगा आफ्टर 4 हाफ लाइफ या 560 डेज। तो ये फॉर्मूला आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। तो फाइनली कंपेयर टी हाफ, ये जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट, सॉरी रेट का इक्वेशन है इस तरीके से, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए, उन सब का मैंने टी हाफ लिखा है। मुद्दे की बात यह है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ आप देखो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ऊपर भी कांस्टेंट है, नीचे भी कांस्टेंट है। क्लियर, अब सॉल्व करते हैं 22nd एमसीक्यू, आप सॉल्व करिए खुद से पहले। तो 22nd क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट दिया है अपने को, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.5 मोलार, द हाफ लाइफ of the reaction is, first order बोला है ना, तो half life क्या होगा, half life is equals to 0.693 divided by k, but k तो दिया नहीं है अपने को, तो k कैसे ढूंढेंगे, तो rate is equals to k into first order है, तो a raised to 1 आएगा ना, rate कितना दिया है, 1.5 into 10 raised to minus 2, k पता नहीं है, concentration कितना दिया है, 0.5, तो therefore k is equals to 1.5 into 10 raise to minus 2 divided by 0.5, तो कितना हो जाएगा, 3 into 10 raise to minus 2,
के का वैल्यू भी आ गया 0.693 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10^-2। ये हो जाएगा 69.3, क्योंकि 10^-2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना होता है, 23.1। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, 22nd का आंसर क्या है फिर, बी। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, 22nd हो गया। आगे बढ़ते हैं 23rd, करो खुद से ट्राई करिए। चलो, when the initial concentration of a reactant is doubled in a reaction and its half-life period is not affected, half-life को फर्क ही नहीं पड़ता है, आप concentration को बढ़ाओ या कम करो, तो ये कौन सा order है, first order है ना, क्योंकि first order के लिए T half क्या है, T half is equals to 0.693 upon K, इसमें कोई concentration का value नहीं है, so this is what order, this is फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, देखो थियरी हमने किया तो कितना आसान हो रहा होगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए। 24th क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस, C1 दिया है 0.8 मोलार, C2 दिया है 0.4 मोलार, और टाइम कितना दिया है, टाइम मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। ओके, देखिए टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 15 मिनट में हो जाता है ये काम। ओके, द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलार से 0.025 मोलार तक जाना है। हाँ, रिएक्शन तो सेम है। चलो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ डालने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर लगाओ। आपको क्या बोल रहा है, 0.8 से 0.4 जा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया ना दोस्त, और टाइम दिया है, मतलब इन शॉर्ट ये तो आपको टी हाफ दिया है ना यार, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने के लिए कितना, 15 मिनट लगता है। तो देखो 0.1 का आधा क्या होगा, 0.05, तो 0.05 पहुंचने के लिए कितना मिनट लगा होगा, 15 मिनट लगा होगा ना। अभी 0.05 का आधा क्या है, 0.025 है ना, तो ये भी हाफ लाइफ हो गया ना, तो इसमें भी 15 मिनट लगेगा, तो ऊपर का 15 मिनट और ये 15 मिनट, अरे भाई टोटल कितना लगा, 30 मिनट लग गया ना दोस्त। तो 24 का अपना आंसर क्या हो गया, डी। तो कोई क्वेश्चन यूज करने की जरूरत नहीं है, टी हाफ के क्वेश्चन कभी ऐसे, कभी कभी ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, चलो 24th के बाद 25th आप खुद सॉल्व करें यार स्टूडेंट्स पहले। चलो क्या दिया है, T1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। या वी नो दैट, निखिल सर ने पढ़ाया है ये, हमें पता है। आगे बढ़ो, इफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, ओके, देन टी हाफ कैन बी रिटन एज, ऑलराइट। देखो बड़ा सिंपल है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, what is integrated rate equation, T is equals to 2.303 upon K log of C0 upon CT. अभी you know ये they are talking about T1/4, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2.303 upon K log of C0, 1/4 time, मतलब बचा कितना है, 3/4 तो बचा है ना, तो 3/4 ऑफ C0, मतलब T1/4 कितना हो गया, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 4/3 ले ले, क्लियर, लॉग ऑफ 4/3, थोड़ा सा यहाँ पे अभी कैलकुलेशन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, इसको ऐसे ले लेते लॉग 4 माइनस लॉग 3। अब देखो ये क्या कैसे लिख सकते, 2.303 के log 4 को कैसे लिख सकते हैं, log 2 square लिख सकते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 into log 2 हो जाएगा, तो 2 into log 2 का वैल्यू क्या है, 0.3, माइनस log 3 का वैल्यू क्या है, 0.47 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, ये कितना हो जाएगा, 0.6 में से इतना निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 0.13 हो जाएगा। क्लियर, 0.13 होगा ना, 0.6 0.47। हाँ, तो आगे क्या पूछा है इन्होंने,
If the rate constant of the first order reaction is K, then T half can be written as. तो मल्टीप्लाई कर देते ना फिर अभी. हाँ अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 23.03 लिख लेता हूँ. लिख लो क्या चलेगा? नहीं, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, 0.23 लिखता हूँ और इसको लिखता हूँ 1.3. अपने अपने तरीके है कैलकुलेशन करने के. तो 0.23 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, 0.23 से थोड़ा सा बड़ा, 0.25, 0.26, 0.27 ले लेता हूँ डिवाइडेड बाय के, ऐसा ऐसा कोई क्लोज आंसर आएगा. तो ये हो गया ना अपना बी आंसर, है ना, बराबर के 25 का बी. समझ में आ गया आपको कैसे यूज़ करना है? टी 1/4 बोला है स्टूडेंट, तो सी टी क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, दैट इज सी जीरो. सिंपल क्वेश्चन था वैसे. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने एक जहां पे केसी एक यूज किया था वो वाला मैंने आपको मार्क करवाया था इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो कंसिडर द रिएक्शन 2A+B. ऑल राइट, हमें रिएक्शन दिया है उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दिया इन्होंने. व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन वॉज डबल्ड, द हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज. देखो हाफ लाइफ चेंज नहीं हुआ कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद भी, मतलब टी हाफ जो है इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी. ओके, फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के टकले पे इक्वेशन में वन आएगा. When the concentration of A alone was doubled, the rate increased by 2 units. अब ध्यान दो, A का 2 times हमने बढ़ाया तो रेट भी 2 times ही बढ़ा, मतलब A के भी टकले पे क्या है, 1 है ना, क्योंकि अगर A के टकले पे 2 होता तो 4 times बढ़ता ना. तो मतलब अपना इक्वेशन क्या हो गया, R is equals to K into A into B, दोनों के टकले पे 1-1. अभी पूछा क्या है, the unit of rate constant K. देखो बड़ा सिंपल है, फिर कैसे करोगे, C by T is equals to K into C into C. तो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, C और C कैंसिल हो जा रहा है, तो K is equals to 1/C × T. और C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी मोल्स पर लीटर, तो मोल्स और लीटर ऊपर लिख लेता हूँ और यहाँ पे टाइम. तो कौन सा आंसर है 26 का अपना आंसर हो गया A. बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. गिवन कंडीशन से अपने को ऑर्डर निकालना है, फिर उसके बाद में K का वैल्यू ढूंढना है, K का यूनिट ढूंढना है. आगे बढ़े 27. चलो क्या बोल रहा है, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया दिया है. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन बोला है, हाँ कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन वुड बी, तो काम पे लग जाता है फिर. टी 99% गायब हो गया इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इज इक्वल्स इंटू क्या आता है, लॉग ऑफ सी जीरो बाय सी टी. सी टी कितना होगा बताओ, 99% चला गया ना, तो 1% ही बचा है. 1% का मतलब 1/100 इंटू सी जीरो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2.303 अपने को के तो पता ही नहीं है, के तो पता ही नहीं है, इंटू लॉग ऑफ ये क्या लेंगे, 100 ऊपर आ जाएगा ना, 100 ऊपर आ गया, तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10² लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया 2.303, 10² लिख दिया तो 2 आ जाएगा, और log 10 का वैल्यू क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय k. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे k नहीं दिया है बट t हाफ तो दिया है ना, तो t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर दिया है, तो k इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय 6.93. तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 0.1 हो जाएगा ना. तो यहाँ पर k के बदले क्या लेते हैं हम लोग, 0.1. तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 6064, 0.4606 ऐसा कुछ है क्या, एम आई राइट, नहीं 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 ओ सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, ये तो डिवाइडेड बाय 0.1 है ना, आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया,
तो यहां पर आ जाएगा 46.06, बराबर कि नहीं? देखो ये भी मिस्टेक होने के चांसेस है, मुझसे हुए तो अभी आप समझ जाओ। तो यहां पर मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया था ना, तो मुझे क्लिक हो गया, अरे डिवाइड बराबर नहीं किया। तो 27 का आंसर क्या हो गया अपना, 27 का आंसर हो गया सी। क्लियर है कि नहीं? सो 27 क्वेश्चन हो गए हैं, 46 बहुत ही नजदीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स यू प्रोडक्ट्स इज, ओके सर्टेन रिएक्शन दिया है, इसका हाफ लाइफ दिया है 1 आवर। When the initial concentration of the reactant A is C0 दिया है अपने को 2 molar, how much time does it take for a concentration to become 0.5 to 0.25? If it is a zero order reaction, zero order के लिए T half क्या था याद करो। देखो T half नहीं याद है, चलो K याद है, K is equals to C0 माइनस सी टी डिवाइडेड बाई टी, ऐसे करते थे बराबर ना, इसी तरीके से तो लिखते थे हम लोग। अभी टी हाफ याद करो, टी हाफ क्या था, टी हाफ का वैल्यू याद करिए स्टूडेंट्स, टी हाफ कैसे लिखते थे, सी जीरो अपॉन 2K, बराबर कि नहीं? तो टी हाफ दिया है अपने को 1 आवर दिया है, ऑप्शन में भी आवर्स में ही है तो इसको आवर्स में ही रखते हैं। C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 दिया है 2K, तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो T विल बी इक्वल टू C0, इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना दिया है पता नहीं, ठीक है नहीं दिया है ना, इनिशियल तो 2 molar दिया है, 2 माइनस, नहीं नहीं 2 नहीं दिया है, ये क्या दिया है 0.5 दिया है, तो 0.5 माइनस 0.25 तो कितना हो गया 0.25, तो 28 का अपना आंसर आ रहा है 0.25 आवर्स, दैट इज ऑप्शन सी। तो अपने को यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना था स्टूडेंट, एक तो के का फॉर्मूला फॉर द जीरो ऑर्डर, C0 माइनस CT डिवाइडेड बाई T, और एक टी हाफ का, दैट इज C0 डिवाइडेड बाई 2K। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम से फर्स्ट ऑर्डर का याद रखते हैं, बट याद करो, याद रखो कि जीरो ऑर्डर का भी करना है क्योंकि एग्जाम में आता है। देखो जेई AIEEE जो था पहले नाम, 2010 में पूछा गया था ये। आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। सो क्या बोला है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, चलो मेंशन कर दिया इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स यू प्रोडक्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 molar टू 0.025 molar इन 40 मिनट्स, द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 molar। देखो पूछा क्या है, रेट कॉन्स्टेंट वगैरह नहीं पूछा है, रेट पूछा है। तो रेट का इक्वेशन कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल्स टू के, और फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो इनटू ए लिखोगे, बराबर कि नहीं? अभी ए का कॉन्सेंट्रेशन तो दिया है, के नहीं दिया है ना, अगर के पता चल जाए तो हमें रेट पता चल जाएगा, तो के कैसे ढूंढेंगे, के इज इक्वल्स टू बोलो 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, ना सिंस यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं तो चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.025, तो इसमें डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, C0 बाय CT, ऑलराइट? तो व्हेन यू सॉल्व दिस तो आपको इसमें K मिल जाएगा, और K को यहाँ पे अप्लाई कर दो तो आपको 29 का ना स्टूडेंट्स, 29 का यू विल गेट द आंसर बी। सो व्हाट यू डू, आप टाइमिंग लिखो, क्वेश्चन नंबर 29 लिखो और बोलो यस सर आई गॉट दी आंसर बी, ओके? एंड सॉल्व करने के बाद अगर बी आया तो क्या करना है, आप खुद को सेल्फ मोटिवेट, ऑलराइट? वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 30, देखो ये लॉकडाउन का फायदा क्या है या उसका रिजल्ट क्या आएगा ना, लॉकडाउन की वजह से जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ों को देखा है, जो बच्चा बहुत ही कमज़ोर था या एवरेज था ना, जो उसके घर वाले या उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड समझते थे ये थोड़ी ना क्लियर कर पाएगा नीट जी, बट वो बच्चे ने ये अपॉर्चुनिटी पकड़ लिया लॉकडाउन का, वो बोलेगा आई विल प्रूव देम रॉन्ग, और उसने ये 2 महीने में वो इतनी मेहनत करेगा ना, मतलब पछाड़ देगा वो लोगों को, इफ़ ही और शी डिसाइड्स।
बट हाँ, अगर कोई बहुत ही स्कॉलर था, सबको पता था अरे ये तो कर ही लेगा, वो भी पैर फैला के, अरे अपन तो कर ही लेंगे, 2 महीने और मिल गए, हो सकता है वो पीछे चला जाए, राइट? सो 2 महीने मिल गए, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा दोस्त. एंड इफ़ यू वेर एवरेज एंड पीपल वेर नॉट ट्रस्टिंग यू, के ये आपके ऊपर बिलीव नहीं करते थे, बट आपके अंदर से वो आ गए दैट आई वॉन्ट टू प्रूव देम रॉन्ग, तो ये कुछ दिन जो बाकी है, 1-1.5 महीना, मेरे ख्याल से 1.5 महीने से भी ज़्यादा बाकी है, तो उसमें फाड़ डालो यार पढ़ के. आपको मदद तो कर ही रहा हूँ, 20 अप्रैल तक आ जाएंगे सारे 1 शॉट वीडियोस पूरे केमिस्ट्री के. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 करता है. डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉलो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बहुत है बढ़िया, फर्स्ट ऑर्डर दिया है. इन 50 मिनट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.125 इन वन सच डिकम्पोजिशन. वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05 मोलार द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, अरे हो पूछा क्या है, देखो रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी. अब सबसे पहले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा. H2O2 डिकम्पोज होके क्या देगा, H2O देगा प्लस हाफ O2 देगा. बैलेंस किया, बैलेंस्ड रिएक्शन मैंने लिखा है. तो अपने को पूछा क्या है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी. कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे इसको. तो चलो पहले कंडीशंस पे जाते हैं. इन 50 मिनट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम, तो यहाँ पे के इज इक्वल्स टू 2.303. टाइम कितना दिया है, 50 मिनट्स दिया है. देखो आंसर में भी मिनट्स में ही है, तो इसको भी मिनट्स में ही रखते हैं. लॉग ऑफ C0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है, 0.5 दिया है, डिवाइडेड बाय 0.125. अरे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा. नाउ K मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा आप, R इज इक्वल्स टू क्या करोगे, R इज इक्वल्स टू यू विल राइट लाइक दिस. ये हाफ है ना, तो ये 2 बन जाएगा, 2DO2 बाई DT, बराबर कि नहीं. सो अपने को ढूंढना क्या है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी. ठीक है, ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया. दूसरा एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, के आर इज इक्वल्स टू के इंटू H2O2, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं. अभी R का वैल्यू एक काम करें, यहाँ पे K का वैल्यू निकाल ले पहले. तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5. इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो इसको मैं अगर 50 ले लेता हूँ, 50, और इसको मैं लेता हूँ, चलो इसको 500 ले लेता हूँ ना, ये 125 हो जाएगा. तो 25 के टेबल में जाएगा ये, 25 5 जा, ओके, और ये 25 20, और ये कितने टाइम जा रहा है, 4. तो लॉग ऑफ 4 क्या होता है, 2 log 2 ना, तो 2 into log 2 कितना है स्टूडेंट्स, log 2 इज 0.3 डिवाइडेड, अरे यार 3 को क्या हो गया, पोलियो हो गया, डिवाइडेड बाय 50, कितना हो जाएगा ये. फिर आप लोग सॉल्व करिए इसको, 0.333. ठीक है. सो एक काम कर देना, कैलकुलेशन पार्ट अगर मैं जाऊँगे तो मैं और 1-2 मिनट कंज्यूम कर लूँगा. मैथ्स में थोड़ा कच्चा हूँ मैं, आई एम वर्किंग ऑन इट, डोंट वरी. मेहनत कर रहा हूँ, लॉकडाउन है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना. इसमें K का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो. H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, गया H2O2 रीचेस 0.05 कॉन्सेंट्रेशन दिया है अपने को, उससे आपको क्या मिलेगा, R मिलेगा, बराबर. बट वो R किसके लिए है, H2O2 के लिए. अब यहाँ पे देखो R किसके लिए है, D - D H2O2 by H2O2 by DT. आप उस वैल्यू को क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो आपको ऑक्सीजन का अपियरेंस या फॉर्मेशन का वैल्यू आ जाएगा. सो व्हाट आई विल डू इज, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिए, आपको आंसर में सी आएगा. सो यू सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर सी, इजंट इट. ठीक है, देखो ये बहुत ही, ये वाला जो पार्ट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था. यू शुड नो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, और इसके रेट को इसके रेट के साथ कंपेयर किया हम लोगों ने. फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31. द रेट ए गिव्स बी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर. सोलो दे दिया, द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल्स ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल्स ऑफ बी इज 1 आवर. तो ए गिव्स यू बी,
0.8 मोल्स ऑफ ए है, 0.6 मोल्स ऑफ बी, नहीं हाँ बराबर, ये कितने घंटे में बना, एक घंटे में। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल्स ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.675 मोल्स ऑफ बी। देखो बड़ा इजी है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। के ढूंढते ना पहले, हाँ के, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन, टाइम कितना दिया है, 1 आवर दिया है ना, आंसर में भी 1 आवर आवर्स में ही है तो मैं आवर्स में ही रखता हूँ। लॉग ऑफ सी जीरो कितना है, अभी देखो ये जो सी जीरो अपॉन सी टी है, हम रिएक्टेंट का लिखते हैं कि प्रोडक्ट का लिखते हैं, हम तो यार रिएक्टेंट का लिखते हैं ना, तो ए के ऊपर ध्यान देना, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.8, अभी 0.8 में से कितना निकल गया और बी बन गया, 0.6 निकल गया ना, तो बचा कितना, 0.2 बचा है, बराबर 0.6 मत लिख देना क्योंकि हमें ए के बारे में लिखना है यहां पर, रिएक्टेंट के बारे में। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, वापस है टी इज इक्वल्स टू 2.303 जो भी के का वैल्यू आया है, लॉग ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.9 मोल्स ऑफ ए, 0.9 मोल्स ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.675 मोल्स ऑफ बी, तो आप क्या करोगे, 0.900 माइनस 0.675, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2, तो आपको नीचे लिखना है 0.225। बात समझ में आ गई, देखो कहाँ हम गड़बड़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, तो दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी हियर। तो 31 का मैं आपको बता देता हूँ, यू विल गेट द आंसर ए। क्लियर, आगे बढ़े कि नहीं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स यू बी, इफ के इज द रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5, देन हाफ लाइफ इज, देखो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, बराबर कि नहीं। अब ये आया कैसे, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं दोस्त। टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग टू, इजंट इट, 2.303 इंटू लॉग टू का वैल्यू 0.3, जब मल्टीप्लाई करते थे तो 0.693 आता था ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये 2.303 को हटा देता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, लैन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय के। याद आ रहा है कुछ, मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में ये दिया था, तो डायरेक्टली 32 का आंसर क्या हो गया, 32 का आंसर हो गया ए। क्लियर, चलिए 33 की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो क्या बोल रहा है ये रिएक्शन, इफ सिक्स, ये क्वेश्चन, 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स, मतलब टी 60% जो है वो कितना है, 60 मिनट्स है, मतलब बताओ सी टी कितना होगा, 60% कंप्लीट हो गया ना, तो इट विल बी 40% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। फिर क्या बोला है, 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली, तो टी 50% इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बताओ सी टी विल बी इक्वल टू वॉट, इट विल बी 50% ऑफ सी जीरो ना, आज समझ आ रही कि नहीं। तो आप क्या करो ना, आप दोनों रिएक्शन, इसमें भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखो, इसमें भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखो, दोनों को कंपेयर करो, इसमें के का वैल्यू डाल के यहाँ पे ला सकते हो या एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हो, राइट, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, ये ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए स्टूडेंट्स, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, तो इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो 33 का यू विल गेट द आंसर ए, ओके, 45 मिनट्स आपको मिलेगा 33 का ए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ओके, 1386 सेकेंड्स, तो टी हाफ दिया है काफी टाइम बाद, सेकेंड्स में आया ना, नहीं तो आवर्स में ही खेल रहे थे, सेकेंड्स। द स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, बोले तो के ही बोला है ना, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट या रेट कॉन्स्टेंट सेम बात है, तो क्या है, अरे यार टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो के इज इक्वल्स टू 0.693
डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना दिया है, 1386। तो देखो कैलकुलेशन में आप फंस जाओगे ना, चलो मैं जुगाड़ लगाता हूँ कुछ तो। के इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिखता हूँ 6.93, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटू 10^-1। नीचे मैं लिखता हूँ 1.386, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10^3। अभी देखो ये वन अप्रॉक्सीमेटली वन के अराउंड है, मतलब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ तो ऊपर वाले को भी छोटा करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को भी मैं 6 कंसिडर करता हूँ। तो 6 / 1 = 6 अप्रॉक्सीमेटली, ओके। इंटू ये कितना हो जाएगा, 10^3 ऊपर चला जाएगा तो 10^-3 हो जाएगा, तो 10^-4 वुड बी द आंसर। तो 6 या 5 के अराउंड आंसर, अच्छा आंसर 5 में दिया, मतलब ये 6 नहीं होगा अपना 5 होगा। तो 5 × 10^-4 ऐसा कोई है, 5 × 10^2, नहीं तो ऐसे लिख सकते ना 0.5 × 10^-3। तो ऑप्शन डी अपना सही हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्लियर है कि नहीं? तो कैलकुलेशन में जुगाड़ तो आप मुझसे ज़्यादा बेटर लगाते होंगे, मैं अपना तरीका यूज़ करता हूँ, लॉट ऑफ वेज। आप चाहिए, कुछ लोग तो बहुत प्रो होता है, 0.693 / 1386 ऐसा भी कर लेते हैं। ओ वाह, अपन ने तो टेबल ही मुश्किल से पढ़ा था मैथ्स में। चलो कोई बात नहीं, यू एज अ प्रो आगे बढ़े। सो नेक्स्ट हम लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आ गए हैं, दैट इज अरहेनियस इक्वेशन। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, चलो इसको डिस्कस करते हैं। ओके सो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं ना, जैसे टेम्परेचर अगर 50 °C है, रेट इज आर, तो जैसे जैसे 10 °C बढ़ा रहे, रेट डबल होते जा रहे हैं, और इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। फटाफट हम लोग अरेनियस इक्वेशन देख लेते हैं। क्या है अरेनियस इक्वेशन, इफ इट इज नॉट क्लियर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। राइट, वट इज के, के इज योर रेट कॉन्स्टेंट। वट इज ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ वट इज एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे मैं रीड करके बताता हूँ आपको, एनर्जी बिलो विच मॉलिक्यूल्स विल नॉट रिएक्ट। अब इसका मतलब क्या है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक ऐसी एनर्जी जहां पे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करना या कोलाइड करना शुरू कर देंगे। क्या ये 100% सही है? इससे बेटर हम ये बोले ना, क्या जो मैंने यहां पे लिखा है, एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अगर उसके नीचे आए तो कोलाइड नहीं होगा, वहां तक पहुंचा राइट, या उससे ऊपर पहुंचा तो कोलाइड होने के चांसेस है, बट उसके नीचे तो चांसेस है ही नहीं है। इट्स लाइक कामयाबी के लिए हार्डवर्क तो करना है, बट जरूरी नहीं हार्डवर्क किया तो कामयाबी मिलेगी। राइट, थोड़ा सा उसको वहां पे कनेक्ट कर दिया मैंने। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी गुड। तो वापस है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी वेयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड। क्या ये 100% सही है? नहीं। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी बिलो विच मॉलिक्यूल्स डू नॉट कोलाइड, ये ज्यादा सही है। ओके, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं ना, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट, तो उनमें ये चीज, ये इंफॉर्मेशन बहुत काम में आएगी। टी इज टेम्परेचर, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, ए ए के तो दुनिया भर के नाम है, इसको अरेनियस फैक्टर बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कोलिजन नंबर, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा है स्टूडेंट्स, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन, इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये है ग्राफ, आप देख के बताइए ये ग्राफ जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है कि एंडोथर्मिक के लिए है। दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक ना, बिकॉज डेल्टा एच क्या होगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हीट ऑफ प्रोडक्ट देखो लेस वैल्यू है, बराबर ना, प्रोडक्ट देखो नीचे आ गया है, और हीट ऑफ रिएक्टेंट इज मोर वैल्यू, तो लेस माइनस मोर विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑलराइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एंडोथर्मिक अगर कोई है तो एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ ये से ऊपर रह जाएगा, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होता है।
नेक्स्ट, नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इसमें देखो ये पूरा मैंने यहाँ पे डिराइव किया है. ये आप लोग फुर्सत से चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, या मेरा रिवीजन वीडियो देखा है तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा. मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज वन शॉट सीरीज है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. मैं आपको ये फाइनल फॉर्मूला बताता हूँ. क्या है फाइनल फॉर्मूला? लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर. आर टी मत लिख देना, और यहाँ पे 2.303 नीचे है. फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में 2.303 ऊपर होता था, यहाँ पे नीचे. एंड दिस इज नॉट के वन अपॉन के टू, दिस इज के टू अपॉन के वन. ओके, इस चीज इन चीज़ों का याद रखना है अपने को. और यहाँ पे है टी टू, सब टू टू पहले आ रहा है यहाँ पे. टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन इन टू टी टू. जो भी टेम्परेचर लो, टी टू शुड बी हायर एज कम्पेयर टू टी वन. क्लियर है? ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब दो टेम्परेचर दिए है आपको क्वेश्चन में, तब ये फॉर्मूला ज्यादा करके यूज किया जाता है. क्लियर? तो दो फॉर्मूला आपने को याद रखना है. यहां पे आगे बढ़ते हैं फिर. चलो वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें. क्या दिया है? 35th क्वेश्चन है ये. विच वन इज करेक्ट फॉर के इज इक्वल्स टू ए रेज टू माइनस ए अपॉन आर टी. अरेनियस इक्वेशन है ये. ईए इज द एक्टिवेशन एनर्जी. अरे ये तो सही है और करेक्ट ही तो पूछा है यार अपने को. आर इज द रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट. नो, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट. ये गलत है. के इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. नो, इट इज रेट कॉन्स्टेंट. ओके, ए इज एडसॉर्प्शन फैक्टर. नो, इट इज अरेनियस फैक्टर. तो अपना आंसर क्या हो गया? ए. ये पूछा गया था इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम 2003. लकी पीपल. 53 तो स्लाइड है मेरा. 36th क्वेश्चन. ओके, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेंज फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन आर ई एफ एंड ई बी. चलो देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. आप लोग पहले अपना आंसर निकाल लो. निकाल लिया? एंडोथर्मिक बोला ना, एंडोथर्मिक का ये देखो ग्राफ में गड़बड़. आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट. ठीक है, एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसे आता है? नॉट बैड, पहले वाले से तो लाइन अच्छा ही है. ओके, भले यहाँ पर लाइन मारना मुझे नहीं आता है. ओके, ठीक है, आगे का मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है, तो दिस इज ग्राफ. ओके, ग्राफ बनाया नहीं अभी तक. एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसे है? एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ ऐसे आएगा. सो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. बट अगर बैकवर्ड आएगा तो यहाँ से शुरू करेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ई बी. तो एंडोथर्मिक के लिए क्या है? E of forward reaction is greater than E of backward reaction. तो कौन सा ऑप्शन सही है 36 का अपना? फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए. देखो फॉरवर्ड ज्यादा है ना, A is the right answer. क्लियर? 37. The activation energy for a simple chemical reaction, ये है A to B, is EA in forward direction. The activation energy for reverse reaction is सिंपल केमिकल रिएक्शन. मतलब एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, कुछ दिया नहीं है ना. तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए, इज ऑलवेज डबल. डबल की बात कहाँ से आ गई भाई? डबल ट्रिपल नहीं, लेस और मोर की बात करो. इज नेगेटिव ऑफ ई ए इज ऑलवेज लेस देन ई ए, कैन बी लेस. डी ऑप्शन ज्यादा सही होगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि यार अगर एंडोथर्मिक हुआ तो थोड़े देर पहले ही पढ़ा ना, एंडोथर्मिक में रिवर्स का तो लेस वैल्यू होगा. बट वहीं पे अगर एक्सोथर्मिक आ गया तो एक्सोथर्मिक में देखो रिवर्स का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है ना. तो फॉर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन, बट वी डोंट नो वेदर इट इज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो इट कैन बी लेस और मोर. क्लियर? नेक्स्ट 38 करें. Rate of a reaction can be expressed by Arrhenius equation. Okay, Arrhenius equation. In this reaction, E represents. Okay, option A diya hai, the fraction of molecules with energy greater than activation energy. Okay, kuch samajh mein nahi aa raha isme to. The energy above which all the colliding molecules will react. Ye maine aapko thodi der pehle ye bataya tha. क्या एक्टिवेशन एनर्जी? वो एनर्जी है, वो पॉइंट है जहाँ पे सब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे. जरूरी नहीं है ना, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, बट उसके नीचे तो बिल्कुल नहीं करेंगे. इसका मतलब हार्डवर्क नहीं किया तो सक्सेस तो मिलेगी नहीं. अगर हार्डवर्क कर लिए तो चांसेस है, सक्सेसफुल हो भी सकते हो या नहीं भी हो सकते हो.
डिपेंड करेगा. द एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट रिएक्ट. यस, सी इज द राइट आंसर. यहां पे समझ में आया. 39. The energies of the activation of forward and reverse reaction of A2 plus B2 gives you 2AB are 180 kilojoules and 200. The presence of catalyst lowers the activation energy of both forward and reverse reaction by 100 kilojoules. The enthalpy change of the reaction, enthalpy change पूछा है, मतलब delta H पूछा है. क्या पूछा है students? Delta H पूछा है. मैंने क्या बताया था, डेल्टा H इज E ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस E ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो देखिए, फॉरवर्ड के लिए पहले कितना था, 180 था, एंड बैकवर्ड के लिए कितना था, 200. और कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ये 100 डिक्रीज हो गया. तो अब क्या हो जाएगा, ये 80, और अब ये क्या हो जाएगा, 100. तो ये हो जाएगा 80 माइनस 100 कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा ना. तो देखो ये फॉर्मूला कितना काम में आया, तो अपना डी आंसर है. क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40? अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन टूवर्ड्स फॉर, ये टूवर्ड्स नहीं है ये, हाँ फॉरवर्ड आएगा ये, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज द रिएक्शन. ओके, फॉरवर्ड मतलब जितना फॉरवर्ड में एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है उतना ही बैकवर्ड में लग रहा है. तो देखो ना, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई बी ना. तो अगर दोनों सेम है तो आंसर तो जीरो हो गया ना. तो 40 का आंसर क्या है, बी. क्लियर एनी स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज 41. ओके, 41 क्या लिखा है, ए गिव्स बी के वन, K1 दिया है एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, K2 दिया है एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है. इफ EA2 इज इक्वल्स टू 2 EA1, देन K1 एंड K2 विल बी, K एंड K2 आर रिलेटेड बाय, रिलेटेड एज. ओके, तो K1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं, A e रेस टू माइनस EA अपॉन RT, EA1 अपॉन RT लिखो ना. K2 को डिवाइड कर दे, K2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, A e raise to minus EA2 upon RT, isn't it? तो AA तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज A कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो AA को कैंसिल कर देता है. अब अभी क्या दिया यहाँ पे, ये कंडीशन दिया है EA2 is equals to 2 EA1. तो what I'll do is इसको माइनस EA upon RT तो रखता ही हूँ. यहां पर अपन क्या लिखते हैं, 2EA के बदले माइनस 2EA1 अपॉन RT. तो इसको ऊपर भेज देते हैं ना, तो अगर ये ऊपर चला गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2EA1 अपॉन RT, ये A है, और ऊपर माइनस तो ऑलरेडी है EA1 अपॉन RT, तो विच विल बी इक्वल टू ई रेस टू, एक ई ए वन बच जाएगा ना, ई ए वन अपॉन आर टी. सो के वन इज इक्वल्स टू, के टू को वो साइड भेज दू तो यहां पर आ जाएगा K2. तो 41 का कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ई ए वन अपॉन आर टी, ऑप्शन बी. तो 41 का आंसर हो गया आपका बी. 42. टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, बोले तो अपना अरेनियस फैक्टर ए. एक्टिवेशन एनर्जी R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल्स पर मोल. ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल्स. इफ K1 K2 आर रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिएक्शन R1 R2 रेस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन, देन ln ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ओके ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे K2 अपॉन K1 क्या लिख सकते हैं, K2 क्या है, K2 क्या है, A e raise to minus EA2 upon RT, और ये क्या है, A e raise to minus EA1 upon RT. इज इक्वल्स टू क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, अपन
ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो ई अपॉन ई ए वन माइनस ई ए टू अपॉन आर टी हो जाएगा। अब ये देखो, ई वन माइनस ई टू को वो साइड लेके आ जाऊँ तो 10 किलो जूल्स बचता है ना, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ई रेस टू कितना हो जाएगा, 10 किलो जूल्स। तो 10 × 10³ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर टी आ जाएगा। तो अपने को तो क्या पूछा है, लैन पूछा है ना स्टूडेंट्स, लैन। तो अगर हम दोनों साइड में लैन लगाएंगे, नेचुरल लॉग लगाएंगे, तो ये ई हट जाएगा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो बचेगा क्या, 10 × 10³। ये लॉग का रूल है, आपको पता होगा, मैथ्स पढ़ते होंगे आप, राइट? नहीं पढ़ते हो तो याद कर लो, दोनों साइड नेचुरल लॉग लगाएंगे तो ई हट जाएगा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। नीचे आर क्या है, 8.314 इंटू तापमान कितना है, 300। अब ये ऊपर हो गया क्या, अच्छा न, 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 ये 2 0 कट, ऊपर सिर्फ 100 बचेगा, 100 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 24, 25 के अराउंड ले ले तो, और ये आ जाएगा 4, तो अपना आंसर क्या आ रहा है, 4। सो डी इज़ अवर आंसर, 42। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, ये जो डिफरेंस दिया था इन्होंने और ये डिफरेंस को यहाँ पर यूज़ करना था, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, 43। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43, द रेट कॉन्स्टेंट के वन एंड के टू फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस आर। ओहो, देखो देखो कैसा वैल्यू दिया है, 10^16 इंटू ई रेस टू -2000 डिवाइडेड बाई टी, और दूसरे के लिए दिया 10^15। ऑल राइट, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच के वन विल बी इक्वल टू के टू। ओहो, के वन दिया है पहले, के वन क्या दिया है, 10^16 इंटू ई रेस टू -2000 डिवाइडेड बाई टी। के टू कितनी, के टू दिया है 10^15 ई रेस टू 1000 डिवाइडेड बाई टी, और बोला है के वन शुड बी इक्वल टू के टू, तो दोनों इक्वेशन सेम हो गए ना, तो हम इसको इक्वेट कर देते, 10^16 इंटू ई रेस टू -2000 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू 10^15 ई ऑफ 1000 डिवाइडेड बाई टी। अब यहां पे आके बच्चा फंस जाता है, आगे करे तो करे क्या, दोनों साइड लाइन अप्लाई करो, नेचुरल लॉग अप्लाई करो। तो यहाँ पे तो ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में ना, तो लैन ऑफ 10^16 इंटू में है तो प्लस आ जाएगा, और लैन ऑफ ई क्या है, जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज -2000 डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पर भी लैन ऑफ 10^15, और यहाँ पर हो जाएगा -1000 डिवाइडेड बाई टी। अब क्या करते हैं, ये चलो टी वाले को वो साइड लेके जाते हैं, ये है लैन ऑफ 10^16 माइनस लैन ऑफ 10^15 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई टी, इजेंट इट? तो बोले तो कितना हो गया, ये 1000 डिवाइडेड बाई टी हो गया ना, 1000 डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे क्या चल रहा है इन लोगों का, 10^16 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10^16, तो 10 बचेगा ना, हाँ तो 10 बचेगा, लैन ऑफ 10। अभी क्या पूछा है इन्होंने, द टेम्परेचर एट विच, तो देखो टी इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय लैन 10। ऐसा कोई दिया है क्या वैल्यू, ऐसा तो दिया नहीं है, तो नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303, और वो हो जाएगा log 10, और log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2.303। कौन सा ऑप्शन है 43 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया ना। कितना अमेजिंग क्वेश्चन था, मजा आया कि नहीं यार ये क्वेश्चन में, है ना, कितना बढ़िया था। यहाँ तक तो बच्चा कर लेता है, आगे क्या करना है, हो सकता है वहाँ पर अटक जाए, ठीक है। चलो ये था 43, आगे बढ़ते हैं 44। विच प्लॉट विल, विच प्लॉट, ओके प्लॉट, देखो ये ग्राफ का प्लॉट आए ना आए, जिंदगी में आपका वो जो लैंड वाला प्लॉट होता है ना, वो तो होना चाहिए आपके नाम पे, बात सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि पढ़ाई क्यों कर रहे, पैसे अच्छे मिले, नौकरी अच्छी मिले, बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने, पैसे कमाने के लिए ना, कि एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते सर माई पैशन इज दिस, माई पैशन इज दिस, ओके, बट मैं उनको बोलूँ जॉब कर बट पैसा नहीं मिलेगा, बोला नहीं नहीं ऐसा थोड़ी चलेगा, दैट्स नॉट योर रियल पैशन देन, ओके।
ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए, बट एट द एंड यार पैसा भी तो चाहिए, राइट? ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, कभी कभी बीच में भावुक हो जाता हूँ मैं. विच प्लॉट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? अब देखो भैया, क्या बोला है, अपना फॉर्मूला क्या है, वो के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. दोनों साइड में नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं, तो लैन ऑफ के इज इक्वल्स टू लैन ऑफ ए इंटू में है तो प्लस आ जाएगा ना, लैन ऑफ ई मतलब वो वन हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँ माइनस ई ए अपॉन आर टी. अब इसको वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको चलो ऐसे लिखता हूँ मैं आपके कन्वीनियंस के लिए, माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस लैन ए. लैन ए इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये आपका सी हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो इसमें वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है लैन ऑफ के, और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको क्या चाहिए, विच प्लॉट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको आपको क्या करना है, इसका ये स्लोप में मिल जाना चाहिए, और स्लोप में तो कांस्टेंट भी आते हैं साथ में, तो आपका जो स्लोप है वो क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन आर होगा, और आप x एक्सिस पे लोगे 1/t. नहीं समझे, चलो मैं बताता हूँ. आप कैसे कंपेयर कर रहे हो इस इक्वेशन को, किसके जैसे कंपेयर कर रहे हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ पर हम m क्या ले रहे हैं, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये आपका m होगा, और ये जो 1/t वाला पार्ट है ये आपका x एक्सिस पे आएगा. तो आपको प्लॉट करना है lan k वर्सेस 1/t, दैट इज ऑप्शन डी. क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक बोले तो कैसा, ऐसा, ई ए एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच, ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ ई ए विल बी. ऑलराइट, तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी. हाँ, बराबर. तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू इज ग्रेटर, यहाँ पर ये ग्रेटर है और ये लेस है, तो डेल्टा एच आपको ग्रेटर वैल्यू आएगा, बराबर कि नहीं, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा डेल्टा एच आपको. डेल्टा एच क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी वो तो बहुत ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू डेल्टा एच. ये आपका डेल्टा एच है और ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई, तो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर दैन डेल्टा एच. बात बराबर है कि नहीं, ग्राफ से ही समझ गया वैसे, ये फॉर्मूला की ज़रूरत भी नहीं थी. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इफ द रेट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू. देखो दो टेम्परेचर आ गए ना, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू क्या था बताओ, ई ए अपॉन 2.303 आर, और ब्रैकेट में क्या था, टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी टू टी वन. तो रेट डबल हो जा रहा है ना, मतलब K2 अपॉन K1 क्या होगा, 2 हो जाएगा ना. एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढना है, ई ए 2.303, आर का वैल्यू क्या ले लोगे, 8.314, और यहाँ पे T2 क्या लोगे, ज़्यादा वैल्यू क्या है, 35, तो 273 प्लस 35 वो यहाँ पे लोगे, माइनस T1 यहाँ पे लोगे, T2 इंटू T1. तो ये आप सॉल्व करिए तो 46 का आंसर स्टूडेंट्स आपको बी आएगा. ओके, डोंट स्किप दिस, सॉल्व करो आप अच्छे से, देखिए कहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही है. ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा सी. कैलकुलेशन पार्ट है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आपके ऊपर छोड़ दिया है. सो कैसा लगा आपको ये वन शॉट सीरीज केमिकल काइनेटिक्स के चारों कॉन्सेप्ट में भर भर के एमसीक्यूज के? आई होप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा स्टूडेंट्स, राइट? सो अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो ऐसी ही जबरदस्त वन शॉट सीरीज के वीडियोस मैंने अपलोड किए, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, ऑलराइट, क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नहीं मैं आगे जाऊंगा नहीं, अभी
वीडियो को बंद नहीं करूंगा, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो चलो पहले सब्सक्राइब कर लो। ऑलराइट, सो मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी वेल एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।